काली बीवी के साथ गोरी साली फ्री। यार तू ऐसे अच्छे अच्छे जोक कहाँ से लाती है, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। आइसक्रीम और पिघलती जा रही है, जल्दी से खा लेती हूँ। पर दी मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई, मुझे और चाहिए। ये ले मेरी आइसक्रीम खा ले, वैसे भी मुझे ये ज्यादा नहीं पसंद। और बाहर मम्मी और उनकी फैमिली की बात हो गई होगी, बाहर चलते हैं। ठीक है दीदी। फिर दोनों बहनें बाहर जाती हैं जहां सब आपस में बातें कर रहे थे। अजी हमें तो आपकी श्रुति काली होने के बाद भी बड़ी पसंद है, तो समझो रिश्ता तय हो गया। क्योंकि आपकी बेटी के गुण बहुत अच्छे हैं, रंग में क्या रखा है, इसलिए शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है समदन जी, पर एक बात कहनी थी। ये कि शादी के बाद लड़की के साथ उसके ससुराल उसका भाई जाता है, पर मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी छोटी बेटी को भेज दूं श्रुति के साथ। इससे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे भला ये भी कोई पूछने की बात है, आप भेज देना चारू को, हमारी बेटी जैसी है वो भी। अच्छा अब मेरी साली साहिबा भी घर आएंगी? हाँ जीजू, अब देखना मैं आपसे कितनी डिमांड पूरी करवाती हूँ। अच्छा करवा लो, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर दूंगा, जो नहीं भी बोलोगी वो भी। ये सुन सब हंस जाते हैं, पर श्रुति को निकुंज का चारू को यूं देखना पसंद नहीं आता। फिर अगले महीने ही निकुंज की श्रुति से धूमधाम के साथ शादी हो जाती है, जहां गृह प्रवेश करने के बाद चारू भी उस घर में आती है। अरे वाह आंटी जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, दीदी मजे से रहना यहाँ, और मैं भी यहाँ कुछ दिन के लिए तो हूँ ही। हाँ ये तो है ही। माँ अब तो सारे रीति रिवाज पूरे हो गए, अब हम कमरे में जा सकते हैं ना? हाँ जाओ जाओ। ये बोल निकुंज अपनी बीवी की जगह साली का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाने लगता है। अरे अरे जीजू, मैं आपकी बीवी नहीं साली हूँ, लेकिन आप मुझे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि साली आधी घरवाली जो होती है। अच्छा तुम हो क्या? मैंने श्रुति समझ लिया था, पर श्रुति तुम्हारी जितनी खूबसूरत थोड़ी है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर श्रुति बुरा मान जाएगी। आओ श्रुति। ये सुन श्रुति को अच्छा नहीं लगता, पर निकुंज श्रुति को कमरे में ले जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं, श्रुति अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं अब चारू जानबूझकर अपने जीजू के इर्द गिर्द घूमती रहती है। निकुंज नाश्ता कर रहा था कि तभी चारू अपने हाथ से टोस्ट खिलाकर कहती है, ये लो जीजू खाओ, थोड़े दिन ही हूँ, जितनी सेवा करवानी है करवा लो। अरे वाह भाई वाह, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ घरवाली एक तरफ आधी घरवाली। मैं तो कहता हूँ चारू अपने हाथ से सारा खाना खिला दो। ये लो हो गया जीजा साली का मजाक शुरू। दीदी आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा ना? लग तो रहा है, पर क्या बोलूं, पता नहीं मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो जीजा साली करते ही हैं, पर पता नहीं क्यों ये दोनों ज्यादा चिपक रहे हैं। नहीं नहीं मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, तुम सब बातें करो, मैं पड़ोस की कीर्तन में जाती हूँ। अवंतिका वहां से चली जाती है, तभी चारू निकुंज के और करीब आकर कहती है, जीजू मेरे प्यारे जीजू, अभी तक आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, क्यों? क्या बताऊं तुम इतनी गोरी हो, कुछ तोहफा समझ ही नहीं आता क्या लूं। सच कहूं तो खूबसूरती की बला हो तुम। बस कीजिए, और कितनी फ्लर्टिंग करेंगे मेरी बहन के साथ? क्यों तुम जेलस हो रही हो? नहीं मैं क्यों जेलस होने लगी, लगे रहो। ये कहकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से से अपने फोन को बिस्तर पर फेंक देती है। चारू मेरी बहन है, मैं उसे जेलस नहीं हो सकती, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर श्रुति काम में लग जाती है और शाम को निकुंज ऑफिस से आकर अपनी साली को सुंदर सी ड्रेस देता है, जिसे देख चारू बहुत खुश हो जाती है। वाओ वाओ जीजू, अब तो मेरे लिए बहुत सुंदर सा गिफ्ट लेकर आए, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर इकलौती जो हो। अच्छा आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, सिर्फ अपनी साली के लिए ही लाए हैं? यार मुझे तुम्हारे लिए कुछ ढंग का सा गिफ्ट मिला ही नहीं, इसीलिए ये गुलाब ले लो। ठीक है। बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। मैं अभी लेकर आती हूँ। श्रुति सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, जिसे सब बड़े अच्छे से खाते हैं। वाह बहू तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बढ़िया काम करती रहना। हाँ ये तो है।
हाँ हाँ, कहाँ से आपको ये खाना बढ़िया लग रहा है? दीदी ने इतनी मिर्ची डाली है, इसके अंदर पानी चाहिए मुझे। मैं अभी देती हूँ। श्रुति उसे पानी का ग्लास देती है। इतने में निकुंज अपने ग्लास का जूठा पानी अपनी साली को पिला देता है। ये देख श्रुति को और गुस्सा आता है। ये दोनों ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने क्यों किया? मैं पिला देती अपनी बहन को पानी। कोई बात नहीं दीदी, मेरे अच्छे से प्यास बुझ गई, थोड़ी सेवा जीजू को भी करने दो। अच्छा, मेरा गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां खाने का बहुत मन है, कल आप ले आना। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर साली साहिबा, इतनी प्यारी और गोरी हो, मना कैसे कर सकता हूँ। अच्छा चारू बिटिया, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हो गई है? आंटी जी, मैंने तो एमए स्टार्ट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। बहुत बढ़िया बेटा, और बताओ यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ आंटी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, जब मैं 9 साल की थी और दीदी 13 साल की थी, तो मुझे स्कूल से ला रही थी। मैंने गोले वाले अंकल से स्ट्रॉबेरी गोला मांगा, तो ये मुझे देखकर चॉकलेट वाला गोला मांगने लग गई। अब आप ये बताओ, उसे अंकल पर चॉकलेट वाला गोला है ही नहीं और किसी ने भेजा नहीं, तो ये खाएगी कहाँ से? इतनी छोटी सी बात नहीं समझी। बहू तू इतनी भोली भी थी क्या? ये तो 5 साल के बच्चों को भी पता होता है कि चॉकलेट की आइसक्रीम होती है ना कि गोला। श्रुति, तुम बचपन में स्टूपिड थी क्या? और कोई किस्सा है इसका? हाँ हाँ जीजू, एक बार और इन्होंने ना खाना बनाया था, खीर में इनको चीनी डालनी थी, पर इन्होंने मेरे लाक मना करने पर भी नमक ही डाला। अरे शक्कर नमक में थोड़ा तो फर्क होता है, इन्हें वो पता ही नहीं चला और फिर सबको नमक की खीर खिलाई। दीदी ना कभी कभी मेरा बिल्कुल नहीं सुनती है, मेरे से तो आज भी वो दिन भूला नहीं जाता, एक बार घोड़े पर से गिर पड़ी थी, छोटी थी तो। ए भगवान, बहू तू ही इतनी ना समझती क्या बचपन में? इससे अच्छी और होशियार तो तेरी छोटी बहन ही है। अरे मेरे पास दीदी के बहुत सारे किस्से हैं, बताऊं? बस कर चारू, बहुत हो गया तेरा, और कितना बोलती रहेगी? ये बोल आंखों में आंसू लिए श्रुति वहां से कमरे में चली जाती है और तकिए से लिपट कर रोने लगती है। क्यों, आखिर क्यों मेरी बहन मेरे ससुराल में आकर मेरे साथ ही ऐसा कर रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और निकुंज जी भी चारू के साथ ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, दोनों साथ रहते हैं, बहुत हो गया, पर मैं क्या करूं, मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती। तभी बहन और पति आते हैं। क्या हुआ, तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया क्या श्रुति? हाँ दीदी, आप ऐसे उठकर क्यों आ गई? अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। श्रुति मुंह फुलाकर वहां से रसोई में काम करने चली जाती है और जोर जोर से बर्तन पटक कर साफ करती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं और चारों ओर निकुंज का फ्लर्ट करना अभी भी बंद नहीं होता। इस बात से वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। फिर एक दिन निकुंज का दोस्त जतिन आता है। अरे भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, और मेरी भाभी कहाँ है? ये रही तेरी भाभी। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप आइए बैठिए। अरे भाभी, ये दूसरी लड़की कौन है जो सेल्फी लिए जा रही है मुंह बना बनाकर? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बुलाने की? मैं पाउट बना रही थी समझे, तुमसे अच्छे तो मेरे जीजू ही हैं। ओ जीजू प्यारे जीजू, जरा मेरे बाल बना दीजिए, वो क्या है ना मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। निकुंज चारू के करीब आकर उसकी बाल बनाता है। आ जीजू, ये क्या कर रहे हो, गदगदी हो रही है। अच्छी बात है जतिन भाई, देख ले, मजे ही मजे हैं, काली बीवी के साथ गोरी साली फ्री है। ये सुन श्रुति को एक बार फिर बुरा लगता है और वह रो पड़ती है। बस बहुत हो गया, मैं हूँ काली। चारू तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं, और आपको भी मेरी बहन पसंद आ गई है ना, आप दोनों साथ में रहो, मैं यहाँ से चलती हूँ। अरे दीदी हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये गलत है चारू, तुम दोनों का ये मजाक लग रहा है, इससे भाभी को हर्ट हुआ है तभी तो उन्होंने ऐसा बोला। अगर तुम्हारी शादी हुई होती और दीदी तुम्हारे हस्बैंड के साथ ऐसे मजाक करती तो तुम कब तक बर्दाश्त करती? और निकुंज मेरे भाई, तू भी अपनी सीमा पार मत कर। अरे यार मजाक में जेलस कर रहा था मैं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। श्रुति अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। और मैं भी दीदी, थैंक यू जतन, तुमने मुझे रियलाइज करा दिया, कान पकड़कर सॉरी दीदी। अरे कोई बात नहीं, अब रो मत, मैं ही ज्यादा गलत समझ गई थी, थैंक यू जतिन जी। इस तरह चारू और निकुंज को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह श्रुति को खुश करने के लिए शाम को डिनर डेट पर ले जाते हैं,
जहां जतन और चारू की भी नजदीकी बढ़ती है और कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है।